हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतवायर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से एक और वीडियो के साथ आ चुका हूं फ्रेंड, और गाइजर मैं लेकर आ चुका हूं Q&A Part 4। और गाइज मैं इसमें आप लोगों का जितने भी जो पूरे वीक के डाउट है गाइज, वो मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा। और गाइज मेनली यार यहाँ पे जैसे कि यार आप लोग पता है कि वीडियो रिव्यू करके आप लोग का एक इवेंट आया था, तो गाइज उसमें कब से गाइज हम लोग का यहाँ पे फीडबैक का लिखा हुआ आ रहा है कि वेटिंग फॉर दी फीडबैक, तो उससे रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा। साथ में गाइज यार यहाँ पे लॉगिन प्रॉब्लम यार काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो गाइज मैं उसका यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा। साथ में गाइज यार यहाँ पे पार्सिंग द पैकेज वाला जो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। और लास्ट में गाइज यहाँ पे जो पबजी बैन अनबैन से रिलेटेड थोड़ा बहुत बात करेंगे, और गाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक है तो गाइज उससे भी रिलेटेड बात करेंगे। तो गाइज आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। डाउट नट गाइज, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, सोल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UPBR या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, GE, NEET या क्लास 6 से 12 का हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउट नट में। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट नट ऐप डाउनलोड कीजिए। सो ओके गाइज, जैसा कि आप लोगों को याद होगा यार, मैंने 2 सितंबर के आसपास गाइज एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि वीडियो रिव्यू करके आप लोग का एक न्यू यहाँ पे इवेंट आया, जहाँ पे गाइज अगर आप लोग हैकर को यहाँ पे रिव्यू करते हो तो गाइज आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे रिवार्ड मिलेंगे। लेकिन गाइज हुआ ये कि गाइज जैसे ये वीडियो रिव्यू वाला ऑप्शन आया, और गाइज यहाँ पे देख सकते हो जो स्टार्ट रिव्यू करके जो आप लोग का ऑप्शन दिख रहा, वहाँ पे गाइज यार जब से मतलब यार यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्ट एंड प्लीज वेट फॉर फीडबैक, ये गाइज लगभग यहाँ पे 15-16 दिन से सेम चीज़ लिखा हुआ आ रहा है, और गाइज इसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज इसी से रिलेटेड फाइनली यहाँ पे पबजी माल की तरफ से एक अपडेट दे दिया गया, और गाइज यहाँ पे बताया गया कि क्यों यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो चलो गाइज मैं सीधा आप लोग को लेकर चलता हूँ अपना डिस्कॉर्ड सर्वर पे, और गाइज यहाँ पे देख सकते हो पबजी अपडेट्स, और गाइज आप लोग को यहाँ पे ये एक सेक्शन दिख जाएगा, वहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो इन लोगों की तरफ से गाइज पबजी माल की तरफ से एक पोस्ट डाला गया था कल ही। अब चलो गाइज मैं यहाँ पे आप लोग पहले पढ़ के सुनाता हूँ यार कि एक्चुअली इन लोगों ने क्या बोला था। सो गाइज मैं यहाँ पे आप लोग को इन शॉर्ट समझा देता हूँ, बाकी गाइज मैं डिस्कॉर्ड का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो गाइज डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर कंप्लीट पढ़ सकते हो। तो गाइज बेसिकली पबजी माल बोल रहा है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे रिव्यू के लिए अप्लाई किया था उनमें से गाइज यहाँ पे फर्स्ट कोटा निकल चुका है, जिसमें गाइज 15,552 लोग को मौका दिया गया है। और गाइज जिनको भी यहाँ पे मौका दिया गया गाइज उन लोग का मेन मेन्यू में एक यहाँ पे आप लोग का पॉपअप आया होगा, नोटिफिकेशन आया होगा, जिसमें गाइज आप लोग को बताया गया कि आप लोग यहाँ पे आप लोग का जो अप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर दिया गया, आप लोग चाहो तो आप जाकर रिव्यू कर सकते हो। और गाइज अगर मान लीजिए आप लोग का यार यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आया, तो कोई बात नहीं गाइज, आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट वीक का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे अभी सिर्फ फर्स्ट वीक का आज ही मतलब कल ही यहाँ पे निकला है 15,552 लोगों का लिस्ट, उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अगेन यहाँ पे और लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, अप्रूव उन लोगों को किया जाएगा, और गाइज सेकेंड वीक में फिर अगर मान लीजिए आपका चांस नहीं आया तो गाइज आप लोगों को फिर थर्ड वीक का वेट करना पड़ेगा। और इसी तरह गाइज यहाँ पे पबजी मोबाइल बोल रहा है कि एक साथ सबको मौका नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे गाइज ये लोग मतलब कोटा के हिसाब से दिया जाएगा, यानी गाइज फर्स्ट वीक में कुछ लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद सेकेंड वीक में कुछ और लोगों को दिया जाएगा, इसी तरह कर गाइज मतलब यहाँ पे ये लोग जो अप्लीकेशन गाइज उसको अप्रूव करेंगे, यानी कि गाइज अभी आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर गाइज आप लोग को जो ये वीडियो रिव्यू करके ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिखेगा। सो ओके गाइज यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग का प्रॉब्लम था लॉगिन लॉगआउट वाला, यहाँ पे जो इशू चल रहा है, तो गाइज काफी सारे लोग यार यहाँ पे डरते कि भाई यहाँ पे जो हम लोग VPN यूज करेंगे तो ID बैन हो जाएगी, तो गाइज मैं बता दूं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ID आप लोग का यार बैन नहीं होगा, जब तक आप लोग यहाँ पे गेम के अंदर मतलब क्लासिक मैच नहीं खेलते हो तब तक आप लोग का ID बैन नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो यार इस तरह से आप लोग का नेटवर्क एरर लिखा हुआ आ जाता है, अगर मान लीजिए गाइज आप लोग यहाँ पे गलती से लॉग आउट कर देते हो और उसके बाद दोबारा लॉग इन करने की कोशिश करते हो, तो गाइज आप लोग कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से यार सिंपली आप लोग को पांडा VPN यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, और गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कोई भी यहाँ पे सर्वर एक बार यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर लेना, और गाइज यहाँ पे आप लोग को 30 सेकंड का एक एड देखने को मिलेगा, वो आप लोग देख लेना गाइज, जिससे आप लोग यहाँ पे आराम से फ्री यूज कर पाओगे।
तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली थाईलैंड सर्वर से कनेक्ट कर चुका हूँ। और गाइस ध्यान रखना कि आप लोग यार पहले ही यहाँ पे जो फेसबुक ऐप रहता है वहाँ पे गाइस आप लोग अपना फेसबुक आईडी को पहले ही लॉगिन करके रखना है। यहाँ पर आकर गाइस आप लोग यहाँ पे लॉगिन नहीं करना, वरना गाइस आप लोग का यहाँ पे ओपन नहीं होगा। और देख सकते हो गाइस ज़्यादा नहीं, आप लोग को मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा। और गाइस यार यहाँ पे आप लोग का आराम से गेम ओपन हो जाएगा, वो भी बिना कोई 10 साल का बैन लगे हुए। गाइस काफ़ी सारे लोग मतलब यार फालतू का फेक वीडियो बनाते हैं कि भाई 10 साल का आईडी बैन हो जाएगा अगर तुम लोग यहाँ पे लॉगिन करके दोबारा मतलब लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करने का कोशिश करोगे। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप लोग क्लासिक मैच नहीं खेल लेते हो तब तक गाइस आप लोग का आईडी यहाँ पे बैन नहीं होगा। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग बिना कोई प्रॉब्लम के बिना कुछ सोचे गाइस आप लोग आराम से लॉगिन लॉग आउट कर सकते हो, अपने मेन आईडी सेकेंड आईडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गाइस यार यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम में आते हैं जो कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में पार्सिंग द पैकेज करके यार काफ़ी सारे लोगों के साथ यहाँ पे जब अपडेट कर रहे तो गाइस ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस मैं बता दूं यार ऐसा इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि गाइस हुआ ये गाइस कि इस बार जो पबजी मोबाइल ने अपडेट दिया उसमें गाइस यहाँ पे दो टाइप का यहाँ पे अपडेट इन लोगों ने दे दिया, यानी कि अलग अलग यहाँ पे जो वर्जन रहता है गाइस अलग अलग उसके हिसाब से यहाँ पे डाउनलोडिंग लिंक था। तो गाइस मैं आप लोग क्या करता हूँ गाइस एक यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ और गाइस आप लोग क्या करना है सिंपली इस लिंक में जाना और गाइस यहाँ पे लगभग 60 MB का आप लोग का एक फाइल रहेगा पबजी मोबाइल का, सिंपली गाइस इसको आप लोग को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। और गाइस यार उसके बाद आप लोग को गेम को ओपन करना है। और गाइस गेम ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे ध्यान रखना जिसके पास सिर्फ हॉटस्पॉट हो या फिर गाइस यार यहाँ पे वाईफाई हो बस वही लोग गाइस ये ट्राई करना। और गाइस उसके बाद क्या करना आप लोग सिंपली यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यार कुछ इस टाइप का आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पे हॉटस्पॉट या फिर गाइस आप लोग यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो गाइस आपका मतलब आपका जो मोबाइल है गाइस उसी के अंदर में ही यहाँ पे OBB फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस जैसे ही ये 1.9 लगभग GB का रहता है ये आप लोग का यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो गाइस आप लोग का आराम से गेम ओपन हो जाएगा। तो गाइस यार यहाँ पे जिसको भी पार्सिंग द पैकेज वाला ये प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली गाइस ये आप लोग तरीका अपना सकते हो और गाइस आप लोग का डेफिनेटली इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब गाइस यार यहाँ पे बात करते हैं जो आप लोग का पबजी बैन अनबैन से रिलेटेड क्या लेटेस्ट न्यूज है। तो गाइस आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो और मैंने हालांकि आप 2 दिन पहले ही वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था गाइस कि यहाँ पे पबजी मोबाइल हो सकता है कि रिलायंस जियो के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करे। और डेफिनेटली गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े न्यूज लोगों ने यहाँ पे मतलब ये चीज़ को कवर किया, देख सकते हो ये इंडिया न्यूज की तरफ से ये कवर किया गया। तो डेफिनेटली गाइस कुछ ना कुछ तो इन लोगों को सोर्स से मिला होगा तभी जाकर गाइस इन लोगों ने ये आर्टिकल यहाँ पे अपना छापा है। तो डेफिनेटली गाइस बहुत ही जल्द आप लोग को अच्छा न्यूज़ मिलेगा और हो सकता है गाइस कि जियो के साथ यहाँ पे पबजी मोबाइल पार्टनरशिप करे और गाइस आप लोग का बहुत जल्द पबजी मोबाइल इंडिया वर्जन देखने को मिलेगा। और गाइस यार आप लोग को 24 तारीख का फिलहाल वेट करना और देखते गाइस कि क्योंकि पबजी मोबाइल को 3 वीक का यहाँ पे टाइम दिया गया था जो कि गाइस यहाँ पे 24 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली गाइस जो भी चीज़ होना होगा वो आप लोग को 24 सितंबर को क्लियर हो जाएगा। सो ओके गाइस यार अब यहाँ पे 2 कॉमन क्वेश्चन जो कि गाइस हर दिन पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो गाइस आप लोग का है एक कैरेक्टर वाउचर वाला इवेंट कब तक आएगा और दूसरा गाइस यहाँ पे बोनस चैलेंज कब तक यहाँ पे हम लोग का अनलॉक होगा। तो गाइस बोनस चैलेंज के बारे में मैंने यार आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि पबजी मोबाइल की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियली रिप्लाई आया था मेरे को, लेकिन गाइस वहाँ पे इन लोगों ने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया था पर गाइस इन लोगों ने बोला था कि कमिंग सून है, यानी गाइस बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। और गाइस फिलहाल के लिए कैरेक्टर वाउचर से रिलेटेड कोई भी गाइस मेरे पास लीक्स या फिर गाइस एग्जैक्ट डेट के बारे में कुछ नहीं पता, तो गाइस मैं अभी फिलहाल इसके लिए कोई भी चीज़ें मतलब यार यहाँ पे आप लोग को फेक चीज़ें तो नहीं बता सकता तो इस कारण सर मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। हालांकि गाइस अभी आप लोगों को पता है कि ब्लैक पिंक के साथ बहुत बड़ा कोलैब देखने को मिलने वाला है जो कि मोस्ट प्रोबेबली गाइस कल से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि गाइस कल आप लोग पता कल मंडे और डेफिनेटली गाइस मंडे में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट आते हैं तो शायद गाइस हो सकता है कि कल ब्लैक मतलब यहाँ पे ब्लैक पिंक के साथ कोलैब देखना स्टार्ट हो जाए और कल से गाइस आप लोग को अच्छे अच्छे इवेंट आना स्टार्ट हो जाए। तो यस गाइस बस आज के लिए इतना ही, बाकी गाइस आप लोग को और भी कुछ डाउट होगा तो गाइस आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा गाइस सबका यहाँ पे रिप्लाई देने की। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।